हम बात कर रहे हैं रिफिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें हमको 5% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। पिछली वीडियो में जब हमने लाइव मार्केट में वीडियो बनाई थी, डिस्कस किया था कि स्टॉक ने अपने इस हाई को ब्रेकआउट कर चुका है और तेज़ी दिखा सकता है, और हमने कहा था कि मार्केट के क्लोजिंग तक हमको इसमें सर्किट भी हिट होते हुए नज़र आ सकता है। और स्टॉक ने जो है हमको सर्किट में ही क्लोजिंग दिखाई, सर्किट में हिट होकर ही क्लोजिंग दिखाई है। तो यहाँ से अब रिफिक्स इंडस्ट्रीज़ में हमको और बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक ने अपने इस हाई को ब्रेकआउट किया है, जहाँ से 150 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था और 110 तक का फॉल दिखाया था, 1110 तक का। जब 110 के लेवल से स्टॉक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ तो हमको हायर आई पैटर्न के साथ रिकवरी दिखाई, उस रिकवरी के साथ अपने इस तगड़े रेजिस्टेंस को ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिखाई है। यहाँ से रिफिक्स में आप और उड़ान बाकी है, क्लियर कट अपने लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। अगर गिरावट आती है तो जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 150 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट 144-145 का लेवल, और 140 का जो लेवल है तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है। अब बात करें यहाँ से टारगेट की, तो इमीडिएट आने वाले ट्रेडिंग डे में हमको 158.40 इमीडिएट टारगेट रहेगा, 158.50 का लेवल। इसको ब्रेकआउट करके अगला टारगेट 160, स्टॉक 160 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। अगर 160 के लेवल को रिफिक्स ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 170 से लेके 180 तक के भी टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। इससे पहले स्टॉक ने 180 के आसपास से हमको रिजेक्शन दिखाई थी, तो वहाँ इसके तगड़े रेजिस्टेंस बनने वाला है, उसके आसपास थोड़ा सा अवेयर रहना ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।